नमस्कार, मैं हूं नवाज और एलएन न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी स्पेशल है। नमस्कार दोस्तों, एग्जैक्टली मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत मजबूर होकर ये वीडियो मैं बना रहा हूं। मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूं। पहले भागलपुर, अररिया, औरंगाबाद, नालंदा, बिहार, समस्तीपुर और अब नवादा। और न जाने कितने दुकान या गाड़ियां, जो भी आप जलते हुए देख रहे हो, जो लोग मर रहे हैं, कौन मर रहे हैं ये? या ये किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, मर कौन रहा है इसमें? दोस्तों, हमारा राज्य जल रहा है। इस तमाशे में किसी का भला नहीं है। दंगों की कुछ वजह होती हैं। उसने पहले फेंका तो उसने बाद में ये कहा। पुलिस उनकी मदद के लिए आई और हमारी मदद के लिए नहीं आई। कहीं गाय का मांस फेंकना तो कहीं सुअर का मांस फेंकना, यह सब तरीका पुराना हो चुका है। आप इन चक्करों में क्यों पड़ते हैं? कई जिलों से तनाव की खबरें आ रही हैं। इन नेताओं के चक्कर में अपना भाईचारा मत गवाइए। ये आएंगे और जाएंगे, मगर आपको अपने शहर में रहना है। निकलिए चौराहे पर, पड़ोसी का दरवाजा खटखटाइए, आवाज दीजिए कि आप दंगों की इस मानसिकता के खिलाफ हैं। आप हिंदू हो या मुसलमान हो, या थाना, पुलिस और मंदिर मस्जिद कर नहीं पहुंचेंगे। आपके बच्चों पर मुकदमे हो जाएंगे, पुलिस की किताब में घर घर में दंगे के आरोपी हो जाएंगे और आपके नकली गुस्से का लाभ उठाकर नेता ऐश करेंगे। सावधान रहिए। किसी ने कुछ किया भी है या नहीं तो उसे माफ कर दीजिए। सत्ता फेल हो चुकी है, उसके पास आपके किए गए वादों को लेकर आंखें मिलाने तक की लाज और हिम्मत नहीं बची है। वो नहीं आ सकते हैं चीखते हुए कि देखो ये क्या कहा था, वो क्या कर दिया। उन्हें दंगों की लपटों से उठते धुएं का बहाना चाहिए, ताकि उसकी आड़ में छिपकर आपको वोट ले जाए। घर आपका जल रहा होगा, ताज उनके सिर पर चमक रहा होगा। इसके खिलाफ या उसके खिलाफ आपके तर्क सही होंगे, मगर आपसी बहस को नफरत में मत बदलने दीजिए। खूब गिला शिकवा निकालिए, मगर दुकानों को मत जलाइए। किसी पर पत्थर मत फेंकिए, किसी की जान मत लीजिए। आप देखिए आपके कॉलेजों की क्या हालत है। लाखों छात्र का बीए नहीं हो रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, और बहुत चालाकी से ये नेता आपको हिंदू मुसलमान में उलझा रहे हैं। आपको दंगाई बनाई जा रहा है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दंगाई बनने से रोकिए खुद को। मुकदमे वापस लीजिए और गले मिल जाइए। आप एक अच्छे नागरिक हैं। अभी भी वक्त है कि अपने गुस्से से वापस लौट आने का, वहीं छोड़कर गले मिलने का। नेताओं को अब सशक्त वोटर नहीं चाहिए, उन्हें दंगों में उलझा हुआ वोटर चाहिए, जो उनसे वादों का हिसाब ना पूछे, बल्कि अपने किसी अनजान सुरक्षा के लिए निर्भर हो जाए। उम्मीद है आप खुद को समझाने का एक मौका देंगे। दोस्तों, वक्त आ चुका है खुद को जागरूक करने का, खुद को देखने का, खुद को समझने का। हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप एलएन न्यूज़ पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ आपके वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिया गया, फटाफट उस पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लें। और इसके बगल में आपको मिलेगा एक छोटा सा नन्ना सा बेल आइकन, उसे भी दबाना मत भूलें, ताकि आप ऐसे ऐसे काम की खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। एलएन न्यूज़ पर हर रोज़ आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, ट्रेंडिंग न्यूज़, कंप्यूटर एंड मोबाइल टिप्स, जो कि आपकी डेली लाइफ के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी कुछ हेल्पफुल होती है, आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। तो ऐसे में आप सब्सक्राइब करने के बाद कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ कभी मिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि आप लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं, तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेंडिंग न्यूज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।